हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट टेक। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों बताइएगा, आज आपने अपना दिन कैसे सेलिब्रेट किया है? तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारे आज के टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स को लेके। और दोस्तों, सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है नासा की तरफ से। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज लॉन्च होना था और फाइनली लॉन्च हो गया दोस्तों। बस थोड़ा टाइम ही हुआ उसको और वो स्पेस में जाके ओपन हो चुका है। दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या नई डिस्कवरीज लेके आता है मल्ली जेम्स वेब टेलीस्कोप। और दोस्तों, आप बता दो, सबसे पहले आईक्यू की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। आईक्यू 9 और आईक्यू 9 प्रो ये लॉन्च इवेंट के लिए सेट हो चुका है 5 जनवरी को, यानी कि चाइना में 5 जनवरी को आईक्यू 9 सीरीज लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। वैसे हम सबको पता है कि ये फोन जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आएंगे और इनके अंदर आपको मिलेगा 8 Gen 1। तो दोस्तों, पावरफुल फोन होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये लॉन्च हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ही इंडिया में भी आ जाएंगे। और दोस्तों, अगला अपडेट बता दूं निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से। गूगल ने दोस्तों अपनी जो फिट उनकी दोस्तों ऐप आती है बेसिकली, ये एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए दोनों के लिए आने लगी है। और iOS के अंदर जो है उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। अब आपको इसमें से हार्ट रेट पता चल जाएगी और साथ में रेस्पिरेटरी रेट भी, यानी कि हमारी जो रेस्पिरेशन चल रही है इसका रेट भी पता चल जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कैमरे के थ्रू ये होगा और आपको जो है स्कैन करेगा, कुछ 30 सेकंड्स के लिए आपको स्कैन करेगा आपकी बॉडी को और उसके बाद जो है ये आपको रिजल्ट देगा कि आपकी हार्ट रेट क्या चल रही है और आपकी रेस्पिरेशन जो रेट्स हैं वो कितनी चल रही हैं। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, काफी इनोवेशन होती जा रही है आगे आगे और गूगल ने बहुत बड़ी ये की है इनोवेशन। तो दोस्तों, पिक्सल फोन्स में ये पहले से आता है हार्ट रेट वगैरह वाला, पर बाकियों में नहीं आता है। तो अब जो है iOS के लिए उन्होंने लॉन्च कर दिया आज। और दोस्तों, आप बता दूं जियो की तरफ से उनका नया प्लान, दोस्तों वैसे नया नहीं है, पुराना ही है, 2545 रुपीज का। दोस्तों, ये प्रीपेड प्लान है उनका और दोस्तों ये 366 डेज के लिए आता है। इसका जो है 29 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप इन दिनों में कराते हो इस वीक के अंदर। तो दोस्तों, जो भी लोग एक साल का प्लान करवाते हैं उनको 29 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों, मारुति सुजुकी की ऑल्टो जो है उसका देखा गया फेसलिफ्ट होते हुए, यानी कि फेसलिफ्ट टेस्ट करते हुए। दोस्तों, ये हरियाणा का नंबर है, आप देख सकते हो। दोस्तों, गाड़ी दिखने में अच्छी लग रही है और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। और दोस्तों, आप बता दूं ओप्पो रेनो 7 5G दोस्तों ये न्यू ईयर एडिशन है, इसको लॉन्च कर दिया चाइना में। और दोस्तों, इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है अराउंड 31,800 रुपीज के करीब। और दोस्तों, ये जो फोन है ये एक स्पेशल फोन है, स्पेशल एडिशन है, ये आपको रेड कलर में मिलेगा। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इस फोन के अंदर जो ओप्पो का लोगो है नीचे, उसके साथ में एक छोटा सा आपको लॉइन भी मिलेगा। तो दोस्तों, दिखने में छोटा सा लग रहा है, बिल्कुल क्यूट सा, अब देख सकते हो। और दोस्तों, अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है स्कोडा की तरफ से, या फिर स्कोडा की तरफ से। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रैपिड को एक गाड़ी इनकी आ रही है जो डिसकंटिन्यू कर देगी रैपिड को, मतलब रिप्लेस कर देगी और रैपिड जो है खत्म हो जाएगी और वो गाड़ी उसकी जगह पे आ जाएगी। तो दोस्तों, गाड़ी जो थी वो है स्लाविया और कंपनी ने आज कंफर्म कर दिया कि ये मार्च 2022 में लॉन्च कर देंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि गाड़ी के ऊपर काम पूरी तरह से हो चुका है। अब गाड़ी की सारी इमेजेस निकल के आई, देख सकते हो दोस्तों, टेस्ट वगैरह हो रही थी एकदम बढ़िया से। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रैपिड जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उसकी जगह पे स्लाविया को ले आएंगे। तो दोस्तों, आज के बस इतने ही टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अपडेट से। दोस्तों, क्योंकि सैटरडे है, कम ही होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।